इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से एक सवाल पूछा था कि जिनके पास वैक्रिय शरीर बनाने की शक्ति है, क्या वो बाहर से कुछ लिए बिना वैक्रिय शरीर बना सकते हैं क्या? कोई भावित आत्मा, बहुत सारी साधना गई आगम में, कि बाहर से कुछ लिए बिना कर सकता है क्या? तो परमात्मा ने कहा नहीं, बाहर से लेना ही पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा लेनी ही पड़ेगी, बाहर से पुद्गल परमाणु लेने ही पड़ेंगे, बाहर से पुद्गल परमाणु लेकर के ही वो कुछ कर सकता है। आपके सिंपल भाषा में कहना हो तो दूध को दही बनाना हो, जामन देना ही पड़ेगा, बिना जामन के दूध से दही बन सकता? ऐसे अपने अंदर की जो भावना है इसमें जामन देना होता है। अब जामन किन का देना, इसके आधार पर बात है। अर्जुन माली ने जामन दिया था पहले मुद्गर पानी यक्ष का। किसका जामन दिया था? तो मुद्गर पानी का जामन दिया था तो अर्जुन माली हत्यारा बन गया। सुदर्शन ने अपने दूध में जामन दिया था परमात्मा महावीर का। परमात्मा महावीर का जामन दिया तो न हत्यारा बना, न हत्या करी, हत्यारे को भी मुक्त कर दिया। दोनों ही प्रयोग चलते हैं, देवी देवताओं की शक्ति लेने के भी प्रयोग चलते हैं, लेकिन देवी देवताओं की शक्ति का लेने का मतलब है अर्जुन माले के रास्ते पर चलना है। कि कोई भी देवी देवता, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी देवी देवता भोग से मुक्त नहीं है, द्वेष से मुक्त नहीं, चाहे सम्यक दृष्टि होगा तो भी भोग में तो डूबे हुए ही है। और उनकी ऊर्जा मैं लूंगा तो मेरे अंदर भी उसी का जागरण होगा। क्या कारण है, क्यों ये आराधना आपको दे रहा है? कि ऊर्जा तो लेनी है, लेकिन ऊर्जा किसकी लेनी? योगी के लेने की भोगी के लेने? तो योगी की ऊर्जा कैसी ली जाती है? जैसे भोगी के लेते वैसे योगी के ले सकते हैं। अंतर केवल इतना ही है, भोगी को टैक्स देना पड़ता है, योगी के बिना टैक्स की। किसी भी देवी देवता को आपको लेना होगा तो नैवेद्य चढ़ाना पड़ेगा, नारियल फोड़ना पड़ेगा। लेकिन तीर्थंकर की ऊर्जा लेनी हो आपको, सिद्ध परमात्मा की ऊर्जा लेनी हो आपको, योगी की संयमी की ऊर्जा आपको लेनी हो तो किसी प्रकार का टैक्स चुकाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उनकी कोई डिमांड नहीं है ना। जिनकी डिमांड है उनसे लोगे तो डिमांड करेंगे, और जिनकी डिमांड नहीं उनसे लोगे तो डिमांड रहेगी नहीं, और एक अलग अनुभूति होती है। यही मूल फिलॉसॉफी यही है, ये सारे अनुष्ठान की आधार यही है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, आराम से सोचिए, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, आपका इंफोसिस वाले, ये कौन सी लक्ष्मी की पूजा करते हैं? मैंने तो नहीं सुना है, और आगम में कहीं पर भी लक्ष्मी पूजा का नहीं। लक्ष्मी का स्वप्न तीर्थंकर माँ को आता है इतना ही, लेकिन वहां भी उसने कोई लक्ष्मी की पूजा करी इसका जिक्र नहीं आता है। संपत्ति या सफलता प्राप्त किससे होगी? अपने पुण्य से। किससे होगी? पुण्य से। तो अपना पुण्य जागृत हो जाए, वो प्रयास करेंगे तो समृद्धि का रास्ता खुलता है। भीख मंगे का कटोरा लेकर के घूमोगे तो भिखारी कभी श्रीमंत नहीं हो सकता है, कभी श्रीमंत नहीं हो सकता है। उसके पास करोड़ों रुपए होंगे तो भी चेहरे पर उसका भिखमंगा बने रहेगा। तो परमात्मा के यहां तक कटोरा लेकर घूमने की पक्की मना है। तो उस एनर्जी को लेने के लिए, उस ऊर्जा को लेकर के उस शिखर पर पहुंचना चाहिए, और उस शिखर पर पहुंचने के लिए मुझे तीन शक्तियां चाहिए। कितनी शक्ति चाहिए? पहली चाहिए ज्ञान की, दूसरी चाहिए श्रद्धा की, तीसरी चाहिए मुझे चरित्र की। ये तीन शक्तियां चाहिए। इसलिए मैं आराधना कराऊंगा आपसे तो किसकी कराऊंगा? ज्ञानी, ध्यानी और संयमी की। कि सफलता भी मिले और सेटिस्फेक्शन भी रहे। सक्सेस हो जाए सेटिस्फेक्शन नहीं रहे तो मजा नहीं आता है, तो सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, इसलिए तीनों की आराधना है। और जो भी आराधना के सूत्र है
वो पूरे आगम के सिद्धांत तो मैंने बता दिया आपको, साइंस मैंने आपको बता दिया, और ये साइंस के आधार पर ही विधि है। और पर्यायता, पर्यायता सिद्धांत वहां का है, ऊर्जा लेनी ही होती है, बिना ऊर्जा लिए काम चलता नहीं। हम भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, तीर्थंकर परमात्मा के लेता हूँ, गुरुदेव के लेता हूँ, लेता हूँ ऊर्जा लेता हूँ, बिना ऊर्जा लिए काम चलता नहीं है। किसकी लेनी वो सोचिए। और मेरा आग्रह है आपसे कि ऊर्जा उनके लीजिए जो तीर्थंकर है और जो सिद्ध है या जो उनके मार्ग पर चलते हैं। इसलिए इस पूरी आराधना में केवल उतना ही प्रयोग है। पेपर आज दिए जाएंगे, बाद में देंगे, आज दे जाएंगे। ये सिंपल सी विधि है, इसमें पेपर आपके पास पहुंचेगा ही, लेकिन भावना पहले मन में पक्की कर लेना। भावना होगी तो अनुभूति आएगी, मैंने उस ऊर्जा को ग्रहण करना है। नवकार मंत्र, तीर्थंकर की वंदना, समोशरण का ध्यान करते हुए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने समोशरण जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको पता चली गया होगा कि समोशरण के ध्यान का 24 घंटे तक तो क्या असर होता, पता चली गया होगा। उसके लिए मुझे और कोई बोलने की जरूरत है नहीं है कि वो समोशरण का ध्यान जिन शासन की सर्वश्रेष्ठतम साधना है। चाहे जो कल्याण मंदिर ले लो, भक्तामर ले लो, तेजी पोत ले लो, संति कर ले लो, जितने भी स्तोत्र तुम्हारे यहाँ पर है, सारे स्तोत्र में कोई साधना है तो समोशरण की साधना है। ऐसा एक भी स्तोत्र नहीं है कि जिसमें समोशरण का ध्यान होता नहीं है। आचार्य मानतुंग ने तो 9 श्लोकों में करी है, उच्च रशोक से लेकर इथम यथा तो विभूति रोजेन्द्र तक, वही कल्याण मंदिर में, वही तेजे पोत में, अट्ट महापाड़ी हर जुवा अष्ट महाप्रातिरुक्त जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो समोशरण का ध्यान और भी मैं कराऊंगा रोज, कल से वापस चालू अपनी प्रक्रिया। तो समोशरण का ध्यान करते हुए तीर्थंकर को वंदना करनी, फिर उसके बाद जिनकी आपकी गुरु धारणा है, जिनसे आपने गुरु धारणा ली है, उनको वंदना करनी। जिसकी भी आपकी है, किसकी है वो आप जानो। और उसके बाद जिस गद्दी पर आपको सारी आराधना करनी है, वहां पहले नजर से स्वस्तिक बनाना, नजर से स्वस्तिक बनाना, दृष्टि से स्वस्तिक बनाना, श्वास लेते हुए। कैसे बनाना मैं बता रहा हूं आपको, आंखों से स्वस्तिक बनाना, ऐसे ओके ही, आंखों से पहले स्वस्तिक बनाना वहां। और स्वस्तिक बनाते बाद वहां पर गादी बिछाने के पहले स्वस्तिक बनाना, गादी बिछाने के समय वहां पर अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम अरहम, ये भी आगम का ही है कि सारे जीवों के, संसार के सारे जीवों की मैं सुख और शांति की प्रार्थना करता हूँ, प्रतिलेखना करता हूँ। अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम। और उसके बाद फिर मंगलाचरण के सूत्र हैं, मंगलम भगवान वीरो, परमात्मा की स्तुति। और परमात्मा की स्तुति होने के बाद फिर स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाते समय जब आपके बही खाते में या गादी पर या कहीं पर भी स्वस्तिक बनाते हो, तो उस समय स्वस्तिक बनाते समय पहला सूत्र याद रखना कि श्वास अंदर लेते हुए बनाना है, श्वास छोड़ते हुए स्वस्तिक की लाइन नहीं बनानी है, और बनाते चले जाना है। और ध्यान से सुनते होंगे तो और एक सूत्र दे रहा हूँ, कागज पर बनाते हुए अपने दुकान के पूरे प्रिमाइसेस में भाव से स्वस्तिक बनाना है। एक गहरा प्रयोग है, यदि आप अपने घर को पूरा स्वस्तिक बनाएं भाव से और सिवस से उसमें बना लें, और मन में कि स्वस्तिक ये सुपार्श्वनाथ का चरण लंचन है, तो उस समय मन में किनका जाप करना, नमो सुपार्श्वनाथस। और जिस समय स्वस्तिक बनाने के बाद बिंदु बनाने की बात आती है, वो बिंदु जो है वो सिद्ध परमात्मा के नमो सिद्धानम का
उस समय जाप करना, और जिस समय बिंदु बनाते हैं उस समय श्वास अंदर रोक लेना है, और फिर भवतो स्वस्तिकम बोलते हुए तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याणक के समय में पूरे विश्व में जो आनंद होता है, चवन कल्याणक के समय में जो विश्व में आनंद होता है, जब प्रभु दीक्षा लेते हैं उस समय जो आनंद होता है, केवल ज्ञान होता है उस समय जो आनंद होता है, और निर्वाण कल्याणक, इन पांच कल्याणक की भावना भाते हुए आगे है, इच्छा कार्यनम संधि स भगवम सौहगम वर्धनाय आराधनाय उठ्योमी, सौभाग्य के वर्धन करने के लिए आराधना करने के लिए मैं उपस्थित हूँ तुम्हारी कृपा से हो, और फिर ये सोचना कि गुरुदेव और भगवान मुझे आज्ञा दे रहे हैं, इच्छा खुज में अरहना सिद्धिमयम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये, मेरी आराधना सिद्धिमय हो, ये कहते हुए आराधना शुरू करनी। समो शरण में विराजमान परमात्मा का ध्यान करते हुए आगे गाथाएं दी हुई है, उन गाथाओं का मंगल पाठ करना है। मित्तवम नायवम हुई उच्चा गोय अवनवम अपायं के महापन्ने अभिजाये जसोवरे हुज्ज में तव पसायाये, ये आगे जुड़ा हुआ है। मित्र हो, ज्ञाति जन हो, उच्च गोत्र हो, मेरे घर में मेरे परिवार में किसी प्रकार का आतंक रोग न हो, सारे महाप्रज्ञ हो, सारे शालीन हो, सारे यशस्वी हो, सारे बलशाली हो, तव पसायाये तव पसायाये तव पसाये, ये बाकी गाथाएं उत्तराध्ययन की है, सारी गाथाएं उत्तराध्ययन की, करीबन करीबन 11वें अध्याय की गाथाएं हैं। जहाँ शंख में पयम निहम दोहो विराई एवं बहु से भिक्खु धम्मो किति तहाँ संयम हुज में तव पसाये, जैसे शंख में रहवा दूध शंख को भी उज्जवल करता है और दूध को भी शक्तिशाली बनाता है, वैसे मेरे जीवन में धर्म और अधर्म की कीर्ति दोनों ही मेरा जीवन ऐसा शंख के समान बने तुम्हारी कृपा से। जहाँ से चौरंते चक्रवर्ती मयूडिये चौदह सरैनाई हुई एवं हवई बहु से, जैसे चक्रवर्ती 14 रत्नों का अधिपति होता है वैसे मेरे घर का मेरे परिवार का मैं चक्रवर्ती बन करके जीव तव पसाया ये तव पसाया ये तव पसाया। जहाँ से सामयानम कोठागरे सुरखिये नाना धन्य परिपुण्य एवं हवई बहु से, जैसे कोष्ठार में स्टोर रूम में रखा हुआ धान्य सुरक्षित रहता है सामाजिक के, वैसे ही मेरे घर में सारा कुछ प्रतिपूर्ण सुरक्षित रहे तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से। जहाँ से नगाना पवरे सुमह मंदरे गिरे नानो सही पंजलिये एवं हवई बहु से, जैसे सुमेरु पर्वत सारे पर्वतों में श्रेष्ठतम है और वहाँ पर नाना प्रकार के औषधियाँ है, वैसी प्रकार से मेरे जीवन में मेरे घर में मैं सुमेरु पर्वत जैसा अनुभव लूँ, यहाँ पर सभी प्रकार की शांति बनी रहे। एगे जिया जिया पंच पंच जिये जिया दस दसाहो जिनितानम सव सत्तो जिनाम, जैसे इंद्रभूति गौतम ने एक आत्मा को जीत करके सबको जीत लिया वैसे ही मैं भी आत्म जेता बन करके सबको जीतू। नमो ते संसाय सव सुतम हो यही पसियंतु में पसियंतु में पसियंतु में, जो संशयातीत है जो सारे श्रुत के सागर है ऐसे इंद्रभूति गौतम को, इंद्रभूति गौतम मेरे पर प्रसन्न रहे। अभिवंदिता सिरसा गोयमम तुमायसम पश्यंतु में, नानस सवस पगासनाये अन्नान मोहस विवज्जनाये रागस दोष से संघयनम एगंत सौखम सुमवे मुखम भुज में तपसयाये, आहार मिच्छे मेय मेष निजम साहय मिच्छे न्यूनत बुद्धि निकेय मिच्छे ज विवेक जोगम समाहि कामे समने हुज में तपसयाये हुज में तपसयाये, मेरी आहार मेरे जीवन में ऐशना मेरे मुझे सहयोग बराबर मिले कुशल व्यक्ति का सहयोग मिले, मेरे घर में विवेक की आराधना हो, मेरे घर में सारे समाधि प्रसन्नता के साथ जिए तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से, ऐसी आराधना जो संजय मुनि ने कही थी वो मेरी संपन्न हो। और उसके बाद स्वस्ति की श्रीवत्स अगले जो साधना है उसको थोड़ा शांति से व्यवस्थित ध्यान में रख ले। ये पांच स्वस्तिक है, स्वस्तिक और श्रीवत्स है, आपको करना क्या है इसको बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग। इसमें चार बिंदु बीच में है,
किसी एक बिंदु की तरफ देखना, आंख बंद कर लेनी, स्वस्तिक सामने देखेगा आंख बंद कर करके मन में सुपार्श्वनाथ भगवान का जाप करना, पुनः आंख खोलनी, बिंदु की तरफ देखना, और बिंदु की तरफ देखते हुए अपने गाड़ी, तिजोरी, घर, दुकान, परिवार के सारे सदस्य की तरफ उस स्वस्तिक की नज़र से देखना। उस आपके आंखों में जो स्वस्तिक रहेगा, वो स्वस्तिक और शिवस्त सबके पास एनर्जी पहुँचेगी। पहले अपने एनर्जी ली है, बाद में अपनी एनर्जी दी है। ऐसे ही पांचों स्वस्तिक का प्रयोग अपने दुकान पर, मकान पर, परिवार पर, सब पर करना है। स्वस्तिक और शिवस्त दोनों ही इसके साथ दिए हुए हैं। ये पांच कलर के पीछे प्रयोजन क्या है कि पांच जो है शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। तो शब्द के लिए ब्लू कलर का है, अपने घर में पूरा शब्द सही रहे। वर्ण के लिए, कलर के लिए लाल रंग है कि जिसके कारण से पूरा वर्ण जो है प्रशस्त बन जाए। गंध के लिए पीला कलर है कि जिसके कारण से अपने घर के सारे गंध की स्थिति सही रहे। चाहे पांच भौतिक की बातें हैं पुद्गल के लेकर के, वही पांच बातें अपने आत्मा की है। ज्ञान के लिए सफेद रंग है, भावना के लिए लाल रंग है, चरित्र के लिए पीला रंग है, संबंध के लिए हरा रंग है, और पचकान के लिए नीला रंग है। ये पांच रंगों से अपने घर को, अपने मकान को, अपने परिवार को, अपने सदस्यों को प्रसन्न करना, ब्लेसिंग देना, ऊर्जा देनी और स्वयं में भी ऊर्जा को ग्रहण करना। ये सिंपल सी साधना है, उसकी कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं है। और उसके बाद ये सारा होने के बाद इंद्रभूति गौतम को बहुत सारे लोगों ने, किसी ने तिरुपति को पार्टनर बना के रखा है, किसी ने नाकुड़ा भैरव को पार्टनर बना के रखा है, लेकिन मुझे लगता है अपने पार्टनर किसी को बनाना चाहिए तो किसको बनाना चाहिए? अनंत लब्धि संपन्न इंद्रभूति गौतम को, और उसका जो कुछ इच्छा है वो गौतम लब्धि में समर्पित करें और एक संकल्प पर परिवार पूरा लें। और संकल्प मेरी ओर से बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको कहा है कि समाचार के दिन कि एक बार घर की मीटिंग ले करके अपने परिवार का बायोलॉज बना ले कि हमारे परिवार में हम लोग इस तरीके से रहेंगे, और एक संकल्प लेकर के अगला काम करें। उसके बाद नमोत्थुनम का पाठ देते हुए विधि को संपन्न करना है। लेकिन इस पूरी विधि में, ये विधि किसकी है? जिन शासन की है। और जिन शासन की विधि, इसका मतलब क्या है? इसमें किसी भी प्रकार का कोई आरंभ समारंभ नहीं होगा, कोई फटाका नहीं फूटेगा, कोई फूलों को मसला नहीं जाएगा, किसी की हिंसा कर करके मैं सुखी हो सकता हूँ, ये सूत्र अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। कैसे स्वस्तिक बनाना है, ऐसे उस पर तो डिटेल दिया हुआ है, बिल्कुल उसके आधार पर आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन पूरा ध्यान ये रखना है अपने कि कहीं पर भी श्वास लेते हुए स्वस्तिक बनाना है, श्वास छोड़ते हुए स्वस्तिक नहीं बनाना है। मैंने ऐसा बनाया है, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है आपको। मैंने बना के बता दिया आपको, लेकिन आप कैसा बनाना है वो ध्यान से देखिए। ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है। और इसी तरीके से स्वस्तिक के बाहर श्रीवत्स भी बना लेना है, नीचे से ऊपर जाना है, और उसी तरह से श्रीवत्स बना करके, और बिल्कुल बाद में पूरे परिवार में, पूरा आपका जितना बड़ा मकान है उतने बड़े मकान का स्वस्तिक का ध्यान करें, श्रीवत्स का ध्यान करें कि पूरा स्वस्तिक के घेरे में अपना पूरा मकान, अपने पूरी दुकान, पूरा अपना परिवार है श्रीवत्स के। इतना बड़ा स्वस्तिक कल्पना से बनाना है, अपने भावपूर्वक बनाना है, ऊर्जा से बनाना है। और इस तरीके से
इस आराधना को आप संपन्न करें। कई कई परिवार इस आराधना को संपन्न करते आ रहे हैं सालों से।